खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो ये बड़ा संकेत है कि आप भगवान जी के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं, चाहे आप कितना भी प्यार सम्मान दो वो फिर भी आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मशहूरी और आपकी बदनामी से या आपकी कामयाबी और नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूट जाएगा। किसी भी भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक धन का सदुपयोग करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जीवन के अर्थ का एक गहरा पहलू ये भी है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होगी जैसा हमने सोच रखी होगी। इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, कठिन समय भी आएगा और बहुत अच्छा समय भी आएगा। लेकिन इन सबके बीच इन सारी चीजों को समय और परिस्थिति के अनुसार स्वीकार करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए जीवन को सही तरीके से समझने के लिए अपने स्वीकार करने की क्षमता बढ़ानी होगी। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान आपकी कभी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक गए। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाता है परंतु बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है उतनी ही ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना भी जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हो उसमें जीवन होना जरूरी है।
जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पेन के लिए पूरी किताब को कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाएंगे तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आएगा। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। जिंदगी कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए एक जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, समय से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बददुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई हो तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है समय। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।